गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ग्रिप टू साइंस। स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स हैव बीन मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन मेटल्स, सेकेंड वन नॉन मेटल्स। और इन्हीं दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मेटल। व्हाट इज अ मेटल? मेटल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच पोजेस लस्टर। लस्टर क्या होता है? शाइन। वो एलिमेंट्स जो शाइन करते हैं दे आर मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एट्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? मेटल्स हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, क्या यूज हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या इम्पॉर्टेंस हैं? मेटल्स हैव ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन अवर एवरी डे लाइफ। हमारी डेली रूटीन की लाइफ में मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे आर यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेज। फर्स्ट, यूटेंसिल्स यूज एट होम आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टील। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स। बहुत सारे बर्तन हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सम आर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास, स्टील। सो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं जितने भी यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस मेटल्स आर ऑल्सो यूज। बिल्डिंग और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में भी मेटल्स को यूज किया जाता है। मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स एट्सेट्रा। मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ कॉइन्स। सिक्के बनाने के लिए भी मेटल्स का यूज किया जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स। सिल्वर एंड गोल्ड दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। वी ऑल नो दैट फॉर मेकिंग द ज्वेलरी वी यूज आइदर सिल्वर और गोल्ड। इन मेकिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मशीन पार्ट्स मेटल इज ऑल्सो यूज। जितने भी मशीन के पार्ट्स होते हैं, वेदर इट इज वॉशिंग मशीन, वेदर इट इज एनी अदर सीइंग मशीन, एनी अदर मशीन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, द मशीन पार्ट्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। मेटल्स लाइक टाइटेनियम, क्रोमियम, मैगनीज एट्सेट्रा, दे हैव ए ग्रेट सिग्निफिकेंस एज दे आर यूज इन कंट्रीज डिफेंस। कंट्रीज की डिफेंस के लिए, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए कुछ मेटल्स को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? दीज मेटल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स। इनको हम स्ट्रेटेजिक मेटल्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर नेम डिफरेंट स्ट्रेटेजिक मेटल्स, सो द एग्जांपल आर टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। दीज मेटल्स एंड देयर एलॉयज आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट, जेट इंजन एट्सेट्रा। ये जो मेटल्स हैं या इनके जो एलॉयज हैं, उनको हम एटॉमिक एनर्जी के लिए, डिफरेंट साइंस प्रोजेक्ट के लिए, जेट इंजन के लिए यूज करते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल्स। Now we will discuss what are non-metals. Non-metals are defined as those elements which do not possess luster. वो element जिसमें shining नहीं होती, they are known as non-metals. For example, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, carbon, etc. These are the different example of non-metals. Next is the importance of non-metals. Carbon is one of the most important non-metal because all the life on this earth is made of carbon compounds. Students, carbon is very important non-metallic substance. It is very important because maximum compounds on the earth are made up of carbon. For example, carbohydrates, proteins, oils, fats, these all contain the carbon. Carbon is the very important component of all these compounds. Carbon in the form of graphite, we all know that carbon has two allotropic form, one is graphite and one is diamond.
In the form of graphite, it is also used as electrode. Where? In electrolytic cells and dry cells. That's why carbon is very important non-metal. Hydrogen is present in almost all the compounds of carbon. Carbon ke jitne bhi compounds hain, like carbohydrates, proteins, oils, fats. In sab mein carbon ke ilawa next kya aata hai? Hydrogen. Hydrogen is used in the hydrogenation of vegetable oil to make ghee. Vegetable oil se jab hum ghee banate hain, there also hydrogen is used. Hydrogen is added to the oil to form the ghee. This process is known as hydrogenation of oil, or we can say reduction. We also know that addition of hydrogen is known as reduction reaction. We have discussed in the chapter number 1, chemical reaction ke chapter mein humne padha tha, addition of hydrogen ko hum kya kehte hain, that is reduction. To reduction of oil se kya banta hai, ghee banta hai. So in the reduction of oil or in the hydrogenation of oil, we can see that hydrogen is added. So hydrogen is also very important element. Oxygen is very important for existence of life and combustion processes. We all know that we use oxygen, we inhale oxygen for respiration. And respiration is the crucial process for our life. So oxygen is important for existence of life. It is life gas as is essential for breathing. Oxygen jo hai wo bahut important gas hai. Hum isko life gas bhi kehte hain because it is responsible for breathing purpose. Next is nitrogen. Nitrogen is inert gaseous non-metal. Nitrogen kya hai? Inert. Inert means inactive, not reactive. Its presence in air reduces the rate of combustion. आप सभी को पता है कि एयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. और ऑक्सीजन मैंने अभी बताया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कम्बशन पर्पस. ठीक है, अब ऑक्सीजन तो कम्बशन पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर खाली ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, आग लग जाएगी. तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या करती है, दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कम्बशन. दैट्स वाई बैलेंस बना रहता है. ऑक्सीजन कम्बशन को प्रमोट करती है, नाइट्रोजन कम्बशन को रिड्यूस करती है. सो एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है. सो नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है, दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कम्बशन. इट इज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड डिफरेंट फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज सल्फर. सल्फर इज प्रेजेंट इन मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, हेयर, अनियन, गार्लिक, वूल एक्सेट्रा. एलिमेंटल सल्फर इज ऑल्सो यूज एज फंजीसाइड एंड इन मेकिंग गन पाउडर. वट इज फंजीसाइड? फंजीसाइड्स विच किल द फंगस. फंजीसाइड्स क्या हैं? दीज आर द दोज मेडिसन विच किल द फंजीसाइड विच किल द फंगस. सो एलिमेंटल सर्फेस इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फंजीसाइड एज वेल एज इन मेकिंग द गन powder. Next we will discuss the metalloids. In the starting I told you that there are two different types of elements. First one is metal, second one is non-metal. So what are these metalloids? Metalloids kya hai? These are those elements which have the properties of metals as well as non-metals. Kuch properties metal se milti hain, kuch properties non-metal se milti hain. These are metalloids. Besides metals and non-metals, there is a third category of elements which show properties of metals as well as non-metals. Metals और non-metals के अलावा कुछ और elements भी होते हैं हमारी periodic table में, जो क्या करती हैं, कुछ characteristics metal जैसे show करती हैं और कुछ property non-metal जैसे show करती हैं. These elements are called metalloids. इन elements को हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम, ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स. इस पीरियोडिक टेबल में देखो जो आपको येलो कलर से जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स.
there are different properties of metals by which we can identify that these are metals. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेटल क्या है. These are defined as which have the luster, जिसमें शाइन है वो मेटल है. बट ओनली लस्टर ही एक प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर वी कैन आइडेंटिफाई दैट दीज आर द मेटल्स. सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स इन प्योर स्टेट पोजेस लस्टर, मीन्स द मेटल्स हैव ए शाइनिंग सर्फेस. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स के अंदर एक मेन प्रॉपर्टी होती है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, मीन्स दे कैन शाइन. All metals are physically lustrous, means they shine. The surface of most of the metals become dull when it remains exposed to air for a long time. Maximum metals जो है वो सारी की सारी shine करती हैं, but अगर किसी भी metal को हम बाहर open air में रख दें तो कुछ time बाद they become the dull. Why? Because they react with air. This is due to gases of the air on the surface of metals. एयर के अंदर जितनी भी गैसेज होती हैं वो मेटल के सरफेस के साथ रिएक्ट करती हैं एंड द सरफेस बिकम द डल. द यूज ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी इज ड्यू टू इट्स लस्टर विच इज नॉट लॉस्ट इजली बिकॉज गोल्ड इज नॉट अटैक्ड बाय द गैसेज इन द एयर. जो गोल्ड है आप सभी को पता है दैट इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरी. तो इसको हम ज्वेलरी पर्पज के लिए क्यों यूज करते हैं? Because that is not attacked by the gases in the air. Air के अंदर जितनी भी gases हैं वो gold के ऊपर कोई effect नहीं डालती हैं. That's why it is used in making the jewelry. Gold never gets dull. Next important property is hardness. Metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. सभी metals hard होती हैं. But different metals की hardness that is different. Many metals like iron, copper, aluminium and magnesium are hard. You cannot cut them with knife. हम उन्हें एक knife से cut नहीं कर सकते हैं. Lithium, sodium and potassium they are metals but they are soft. वो बहुत soft हैं, इतनी soft हैं कि that they can be cut with a knife. हम उसे एक knife से cut कर सकते हैं. Take a piece of sodium metal. We can take the example of sodium. आपने sodium metal का एक piece लिया from kerosene oil. अगर आप उस kerosene oil से sodium metal के एक piece को लेते हैं और उसे dry करके cut करते हैं किसी भी knife की help से, then it can be easily cut. वो easily cut हो जाता है. Now, listen carefully. I told you that we take the piece of sodium metal from kerosene oil. Kerosene oil में क्यों रखते हैं sodium metal को? Because if we keep it in the air, अगर हम open air में रखते हैं, it catches fire due to high reactivity with oxygen. Sodium जो है वो oxygen के साथ बहुत ज़्यादा reactive है, बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेता है. That's why we keep the sodium metal in the kerosene oil. We do not keep it in the open air. Next property is malleability. Metals are generally malleable, means they can be beaten into thin sheets. हम metals को beat करके पतली पतली sheets बना सकते हैं. This is the property of malleability. Take some pieces of metals like iron, copper, zinc and lead. हम किसी भी metal के like iron है, copper है, zinc है, उसके कुछ pieces लेते हैं and place any one of them on a block of iron. आप iron के किसी भी block के ऊपर उसको रख दो and strike the metal pieces with hammer. और हैमर से यानी कि हथौड़े से उसको स्ट्राइक करो. द पीस ऑफ मेटल चेंजेस द शेप. मेटल का जो पीस आपने लिया था इट चेंजेस इट्स शेप. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. नेक्स्ट इज मेटल्स आर जनरली डक्टाइल. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. हम मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू मेटल वायर्स ऑफ कॉपर, आयरन एंड एल्युमिनियम. कॉपर वायर्स आप सभी ने देखी होंगी, जितनी भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. सो डिफरेंट वायर्स वी हैव मेड अप ऑफ कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी.
गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल? गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स. मेन टू प्रॉपर्टीज अभी बताई मैंने आपको, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी क्या थी? वी कैन कन्वर्ट इन टू द थिन शीट्स. डक्टिलिटी, वी कैन कन्वर्ट इन टू वायर्स. दे कैन बी कास्ट इन टू एनी शेप. इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम मेटल्स को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. शीट्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एज वेल एज बॉडीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स. आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की जो हम शीट्स बनाते हैं उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, और जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी बॉडी बनाने के लिए. सिल्वर फॉइल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. आप सभी ने देखा होगा मैक्सिमम स्वीट शॉप पर जितनी भी स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर सिल्वर फॉइल लगी होती है. एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर रैपिंग मेडिसिन एंड फूड स्टफ. एल्यूमिनियम फॉइल यूज इन द हाउसेज फॉर रैपिंग द फूड, रैपिंग द चपाती एंड इन ऑल्सो द रैपिंग ऑफ द मेडिसन वी सी द एल्यूमिनियम फॉइल. कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वायर्स हैं दे आर यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी बताया था मैंने आपको कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम इन सब की वायर्स हम यूज करते हैं. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है या जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स यूज हो रही हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट. जितनी भी मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स दे कैन ईजली कंडक्ट द हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट दे डू नॉट मेल्ट ईजली इवन आफ्टर लॉन्ग हीटिंग. जितने भी मेटल्स हैं वो हीट की गुड कंडक्टर हैं बट वो खुद मेल्ट नहीं होते हैं. हम बहुत देर तक भी उसको अगर गर्म करते रहें, हीट करते रहें, वो मेल्ट नहीं होती. इट मीन्स मेटल्स पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम, दीज आर द मेटल्स बट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. रिमेंबर इट, दीज मेटल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट. ऑल द अदर मेटल्स दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट. इन फैक्ट गैलियम एंड सीजियम हैव सो लो मेल्टिंग पॉइंट दैट दे मेल्ट इवन ऑन कीपिंग देम ऑन द पाम. जो गैलियम और सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि जैसे आप अपनी हथेली पर रखोगे और वो मेल्ट हो जाती हैं, कि आपकी हथेली की जो हीट है उसी से वो मेल्ट हो जाती हैं. सो मैक्सिमम मेटल्स दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट बट दीज फाइव मेटल्स दीज हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. कॉपर इज सेकेंड बेस्ट एंड देन कम्स द एल्यूमिनियम. सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? सिल्वर. उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कॉपर एंड देन उसके बाद आता है एल्यूमिनियम. दैट्स वाई कुकिंग वेसल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सिल्वर को हम मैंने अभी बोला कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है बट जितने भी मैक्सिमम वेसल्स हैं या वाटर बॉयलर हैं उनकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. वाई? बिकॉज सिल्वर इज कॉस्टली. सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट तो सिल्वर ही है बट उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं वेसल्स बनाने के लिए या वाटर बॉयलर बनाने के लिए बिकॉज सिल्वर इज कॉस्टली देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम. दैट्स वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज. मर्करी एंड लेड, दीज आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम द मेटल विच आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. दैट इज मर्करी एंड लेड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने डिस्कस किया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट दे आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स दे कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू द मेटल स्ट्रिप्स और वायर्स ड्यू टू फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल. मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं
और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट एक्सटेंट। डिफरेंट मेटल्स की अलग अलग कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, देन कॉपर, उसके बाद गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन, देन मर्करी। दिस इज द ऑर्डर इन विच दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट, वेयर एज मर्करी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की किसकी है, सिल्वर की, और सबसे कम किसकी है, मर्करी की। कॉपर एंड एल्यूमिनियम बीइंग चीपर देन सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। वही सेम जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि सिल्वर की कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो बहुत अच्छी है कैपेसिटी, बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, हम किसको करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को। तो वायर्स के केस में भी सेम यही है, सिल्वर की सबसे ज़्यादा है कंडक्टिविटी बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, गोल्ड को भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दीज टू आर द कॉस्टली मेटल्स। दैट्स वाई वी यूज़ द कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर चीपर, सो दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। द वायर इज कवर्ड विद ए प्लास्टिक लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो वायर होती है आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो वायर है कॉपर की बनी हुई है पर इसके ऊपर अलग अलग कलर की प्लास्टिक लाइक कवरिंग होती है, कोई रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, अलग अलग कवरिंग होती है। वो प्लास्टिक लाइक कवरिंग क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बिकॉज इट इज एन इंसुलेटिंग मटीरियल। ये एक इंसुलेटिंग मटीरियल है। इंसुलेटिंग मटीरियल क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अगर ये कवरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको टच करेंगे हमें करंट लग जाएगा, हमें शॉक लगेगा। सो दीज वायर्स दे आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग कवरिंग बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इफ टच्ड एक्सीडेंटली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और ये कवरिंग ना हो, जैसे ही हम इन वायर को टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा। दैट्स वाई दे आर कवर्ड विद द पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस द साउंड। जब भी किसी सरफेस पर मेटल स्ट्राइक करती है इट प्रोड्यूसेस द साउंड। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल, स्कूल की बेल रिंग करती है, आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा। ये मेटल क्या बना हुआ है, और ये जैसे किसी सरफेस पर टच करता है इट प्रोड्यूसेस द साउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स दे हैव हाई डेंसिटी बिकॉज इन मेटल्स एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। एज वी ऑल नो दैट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, और सॉलिड में क्या है, द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, दैट्स वाई दे हैव द हाई डेंसिटी। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर द एक्सेप्शन विद लो डेंसिटीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। All the metals have high tensile strength. Metals don't have flexibility. Metals flexible नहीं होती हैं and they have the tensile strength. Metals cannot be stretched. हम उसको खींच नहीं सकते हैं, stretch नहीं कर सकते हैं. Due to high tensile strength, iron is used in the construction of buildings, bridges, railway lines, vehicles, etc. Iron की tensile strength बहुत high होती है, that's why it is used for various construction purposes. Next property is all the metals are solid. Maximum सभी metals जो हैं वो solid हैं. All metals are solid except mercury. Mercury is a metal which is liquid in state. As tungsten has high resistance and high melting point, it is generally used for making filaments of incandescent लैम्प्स। जितने भी हमारे बल्ब्स होते हैं, लैम्प्स होते हैं, उनके अंदर टंगस्टन को यूज़ किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर जो फिलामेंट बनाया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनके जो फिलामेंट बनाए जाते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ वी विल डिस्कस
द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्ट वन इज नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस एनी लस्टर. नॉन मेटल्स में कोई शाइन नहीं होती है. नॉन मेटल्स आर डल. दे डू नॉट हैव लस्टर लाइक मेटल्स एक्सेप्ट आयोडीन. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? आयोडीन. आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटेलिक सॉलिड विच हैज द लस्टर. आयोडीन नॉन मेटल है बट इट कैन शाइन लाइक ए मेटल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. मेटल में हमने डिस्कस किया था मेटल्स आर हार्ड. नॉन मेटल्स क्या है? दे आर सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट वीक एंड ब्रिटल. दे ब्रेक इन टू पीसीज वेन हैमर्ड. अगर हम नॉन मेटल को तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती हैं. एक्सेप्शन इज डायमंड. डायमंड क्या है? दिस इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. अभी बताया था मैंने आपको कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. जिसमें से डायमंड क्या है? दैट इज वेरी हार्ड. नॉन मेटल सारी की सारी सॉफ्ट हैं एंड कार्बन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल. बट एक्सेप्शन इज द डायमंड विच इज नॉन मेटल बट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल. दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं है, मैलेबिलिटी भी नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है नॉन मेटल्स में. नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू शीट्स. शीट्स की प्रॉपर्टी कौन सी है? मैलेबिलिटी. एंड नॉर इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू वायर्स. ना ही हम इसकी शीट्स बना सकते हैं ना ही हम इसकी वायर्स बना सकते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड. They do not produce any sound when hit with a hard object. Non-metal sound produce नहीं करती हैं. Next is non-metals are bad conductor of heat and electricity. Metals क्या हैं? They are good conductor of heat as well as electricity. But non-metals, they are bad conductor of heat as well as electricity. Except graphite. Graphite किसकी allotropic form है? Carbon की. कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल. ठीक है, ये नॉन मेटल है बट इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड. तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच हैज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन. लास्ट जब हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैंने आपको बताया था कि व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द मेटल्स हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन. पर नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई था, नॉन मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो है. एक्सेप्ट बोरोन, डायमंड एंड ग्रेफाइट विच आर नॉन मेटल्स बट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट. बोरोन, डायमंड और ग्रेफाइट है तो ये नॉन मेटल बट दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स दे हैव द लो डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी क्या थी? हाई. नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या है? लो. दे आर लाइट एलिमेंट्स, हल्के हैं एलिमेंट्स. This is because most of the non-metals exist as molecular solid in which atoms are linked by covalent bond. Molecular solid की form में exist करती हैं सभी की सभी non-metals और उसमें atoms क्या हैं? They are linked by the covalent bond. For example, P4 and S8. P4 means phosphorus. Phosphorus जो है that exists in the form of P4. Sulfur, it exists in the form of S8. Means 8 atoms of sulfur, they combine, they are linked by the covalent bond. As a result, they are not closely packed. Closely packed nahin hote, so they have the low density. Next property, non-metals have low tensile strength. Metals, they have the high tensile strength, but non-metals, they have the low tensile strength. They आर ईजली ब्रोकन. हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. मेटल के केस में हमने पढ़ा था ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट द मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर.
बट नॉन मेटल्स में कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेस हैं। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, दीज आर सॉलिड नॉन मेटल। ब्रोमीन इज ए लिक्विड नॉन मेटल, वाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज आर द गैशियस नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ इन द एंड वी विल कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन ब्रीफ। लेट्स सी द डिफरेंस और कंपेरिजन। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। मेटल्स दे हैव द लस्टर एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। एक्सेप्ट आयोडीन, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द लस्टर एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। इन मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम ऑल द मेटल्स आर हार्ड, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड एंड बोरोन ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इन टू थिन शीट्स। थिन शीट्स बना सकते हैं हम, बट नॉन मेटल्स में हम थिन शीट्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। वायर्स बनाई जा सकती हैं, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू वायर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। मेटल्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम, ऑल द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कार्बन एंड बोरोन, दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिसिटी। मेटल्स दे प्रोड्यूस द साउंड व्हेन हिट विद हार्ड ऑब्जेक्ट, बट नॉन मेटल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन हिट विद एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। मेटल्स दे हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स दे हैव लो डेंसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड एंड दे कैन बी नॉट बी ब्रोकन, बट नॉन मेटल्स दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन ईजली बी स्ट्रेस्ड एंड ईजली बी ब्रोकन। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स दे आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन, विच इज ए नॉन मेटल बट इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस द मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इन द एंड वी कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.